नमस्ते दोस्तों, अभी हम नारायण सरोवर की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन एक बड़ी चुनौती और आ गई। हमारा टायर पंचर हो गया है और दिक्कत यह है कि पीछे का हुआ है, क्योंकि हमारे पास खोलने का और बंद करने का नहीं था इस कारण से। और किस्मत हमारी अच्छी कि आधा से एक किलोमीटर में ही हमें भैया मिल गए, तो ये हमारी अभी इलाज हो रहा है हमारे इसका। और अच्छा हो गया हमने ट्यूब पहले ही राजकोट से ख़रीद लिया था, नहीं तो क्योंकि वो ट्यूब इतना ख़राब हो चुका है कि वो बदली पंचर बनाने लायक नहीं है। तो अभी उसको बनाया जा रहा है और फिर आगे की यात्रा करेंगे, क्योंकि मौसम भी बहुत ख़राब है और रास्ता भी बहुत ख़राब है। तो इस कारण से पहले से ही दो खरीद के रखे हुए हैं। तो आप लोग के लिए इतना ही कहूँगा कि अगर आप लोग भी साइकिलिस्ट हैं और ऐसे टूर पे निकलते हैं, तो सब जो साजो सामान अपने पास रखें तो आगे दिक्कत ना हो। अब हमें भी वो स्क्रू खोलने का एक एक्स्ट्रा में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है। वाला तो बन जाएगा आसानी से, क्योंकि वो खींचो और टायर बाहर निकल आता है। इसमें आपको एक तो चेन निकालना पड़ता है, चेन खोलना पड़ता है, उसके बाद फिर आपको स्क्रू खोलना पड़ता है, पहले स्क्रू उसके बाद चेन। तो ये हमारे इलाज चल रहा है साइकिल का, और तैयारी हमारी पहले से थी और किस्मत भी अच्छी थी, क्योंकि हमने टायर ट्यूब रखा हुआ था और साथ ही साथ में दुकान भी एक से एक आधे किलोमीटर में मिल गई हमें। तो बनते हैं, फिर आगे की यात्रा करते हैं और आपसे और जो भी हमारी जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हुए चलेंगे। बने रहिए हमारे साथ तब तक के लिए, और भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद भैया, थैंक यू भैया, धन्यवाद।